मन सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर होता है। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या हैं, ये पूरी दुनिया से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा नहीं सके। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। जिस क्षण आप सारी सहायता अस्वीकार कर देते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ ले, चाहे जितने बोल ले, वे आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करते हैं। अनुशासनहीन मन से अधिक उदंड और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। जैसे ठोस चट्टान आवाज से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा बोलता है। हर मनुष्य अपनी सेहत या बीमारी का रचयिता है। यदि आप दिशा नहीं बदलते तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। एक तेज धार चाकू की तरह जीभ बिना खून बहाए मार देती है। हमारा शरीर कीमती है, यह हमारे प्रगति का साधन है, इसका ध्यान रखो। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना है। आप केवल वही होते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। हम सोचते हैं वो बन जाते हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसी कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, लालच जैसे कोई धार नहीं है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। जो जगा है उसके लिए रात लंबी है, जो तका है उसके लिए दूरी लंबी है, जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, ना कि कम होती हैं। हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह कुछ ही उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। हजारों कोकले शब्दों से अच्छा है वह एक शब्द है जो शांति लाए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों की शक्ति मौजूद है। मैं कभी नहीं देखता कि
कि क्या किया जा चुका है। मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। अगर आप दूसरों के लिए दीपक जलाते हैं तो यह आपके रास्तों को भी रोशन कर देता है। इंसान का जैसा विचार होता है, इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। चंद्रमा के जैसे बादलों के पीछे से निकलो और फिर चमक जाओ। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। परेशानी ये है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत समय है। घृणा घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। एक पल एक दिन को, एक दिन एक जीवन को और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन का एक सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को सुधारो, तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर आप उन चीज़ों की कद्र नहीं करते जो आपके पास हैं तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना। अपनी पसंद के काम को खोजे और जब वह मिल जाए तो खुद को उस काम में पूरी तरह से लगा दो। यही सफलता का मार्ग है।